रामचरितमानस पर बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा सिविल कोर्ट में केस दर्ज किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के युवा अध्यक्ष दुर्गेश सिंह द्वारा पटना सिविल कोर्ट में चंद्रशेखर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। शिक्षा मंत्री द्वारा माफी की मांग की गई है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर द्वारा पिछले दिनों जो रामचरितमानस जैसे पवित्र धर्म ग्रंथ पर जो आपत्तिजनक बयान अमर्यादित बयान दिया गया था उसके विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा दो दिन पहले भी सभी जिलों में पटना सहित सभी जिलों में हम लोगों ने पुतला दहन किया था और आज उनके खिलाफ याचिका हम लोग दायर की है। निश्चित रूप से भारतीय जनता युवा मोर्चा जब तक वो अपने बयान से माफ़ी नहीं मांगते हैं और मुख्यमंत्री अगर उनको नहीं हटाते तब तक भारतीय जनता युवा मोर्चा का विरोध जारी रहेगा। बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर चंद्रशेखर जी, उनकी टिप्पणी के खिलाफ जो रामचरितमानस जैसे विशेष धार्मिक ग्रंथ पर जो उन्होंने टिप्पणी दी है उसके खिलाफ आज हमने क्रिमिनल फाइल किया है। यहाँ पर 23 जनवरी को इसका बहस होना है और भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोगों के माध्यम से हमने ये प्रयास किया है कि वैमनस्यता फैलाने का काम कोई भी अगर करेगा, वो सरकारी पक्ष का लोग भी हो क्यों ना हो, तो कानून का सहारा हम लोग लेंगे। आज क्रिमिनल फाइल हम लोग किए हैं, 711 वाद संख्या मिला है और 23 जनवरी को हम लोग का बहस होगा। बहुत जम कर ये केस लड़ेंगे। चंद्रशेखर जी को माफ़ी मांगना चाहिए, बिहार सरकार के आदरणीय मुख्यमंत्री को उनको बर्खास्त करना चाहिए कि इस तरह का सोशल इंजीनियरिंग को काट करके लोगों के बीच वैमनस्यता फैलाने का काम ग्रंथ के नाम पे, जात के नाम पे, ये बहुत तुच्छ लोग ही कर सकते हैं। शिक्षा मंत्री जरूर हों लेकिन शिक्षा से लेना देना उस आदमी का नहीं है। इस तरह का बयान बेहद निंदनीय है। कोर्ट का सहारा लेकर उनको निश्चित रूप से हम पनिश करने का प्लान कर रहे हैं। आपको बता दें, शिक्षा मंत्री द्वारा गलत बयान रामचरितमानस के प्रति दिया गया था जिसको लेकर बीजेपी ने अपना कड़ा रुख अपनाया और नीतीश सरकार पर भी हमला बोला।